तो फ्रेंड्स अभी दोपहर के 3 बज गए हैं, तो 2 बजे तक हम जो उड़द की दाल होती है वो तोड़े हैं खेत में से, मम्मी जी लाई थी जो। और फिर हम 2 बजे उठ के खाना वाना खा के और बर्तन झाड़ू सारा काम हो गया है, तो हम चल रहे हैं आज अपने रेसिपी में डालने नमक पारा, जो आप चाय के साथ में भी उसे खा सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं मैंने बर्तन झाड़ू और सारा काम हो गया है, हमारा किचन भी हमने क्लीन कर दिया है। तो अब हम चल रहे हैं स्टार्ट करने अपना, कुछ रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे शेप में हम बनाना चाह रहे हैं, और भी शेप हम डालेंगे, फिर हम कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ऐसे शेप में भी हम बना रहे हैं इसको काट के, देखते हैं मैंने कौन से शेप में बनाया है। और अभी हम काट ही रहे हैं, ये लास्ट का है, तो हम सोच रहे हैं एक बार और दिखा दें कि हम ढक्कन के हेल्प से ये कितनी अच्छी डिज़ाइन हम निकाल रहे हैं। अगर आप लोग को भी पसंद आए तो एक बार ट्राई करना आप लोग भी। ये ऐसे काटते जा रहे हैं हम छोटे छोटे। तो यहाँ पे है, मैंने सारा बेल दिया है, काट लिया है। और यहाँ पे मैंने ऑयल हम डालेंगे, कढ़ाई को मैंने रख लिया है और इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो ये लोहे की ही कढ़ाई में हम सब कुछ छानते हैं, क्योंकि वो थोड़े जल जाते हैं। तो इसमें हम रिफाइन ऑयल को डाल रहे हैं। अब इसे हम गरम होने देते हैं। तो हमारा तेल गरम हो गया है, तो थोड़ा सा हम डाल के इसमें देखते हैं। हाँ, तेल हमारा गरम हो गया, हम इसमें सारा डाल दे रहे हैं। तो हमने इसमें डाल दिया अपना नमक पारा, अब इसे हम लाल कर ले रहे हैं। तो इसे हम तेज आंच पे ही लाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नमक पारा लाल हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप सब देख सकते हो, एक तरफ का मैंने निकाल दिया, पूरा तेल इसमें छान दिया है, और दूसरी तरफ हमने डाला है। तो ये लंबा वाला जो डिजाइन था वो हमने डाला है, और एक बार का यहाँ पे निकाल लिया है। तो हमारा नमक पारा बन गया है, और अभी 6 बज रहे हैं शाम के। तो हम अभी चाय पीने जा रहे थे, तो हम कहे दिखा ले आप लोग को भी। तो देख लीजिए आप लोग भी हमारा नमक पारा कैसा बना है। तो ये रहा हमारा नमक पारा, तो 3 शेप में हमने बनाया है। ये लंबा लंबा है, और ये गोल टाइप का है, और ये डिब्बे जैसा जो आता है त्रिकोना वैसा है। तो आप लोग को कैसा लगा? तो ये हम चाय से ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, तो हमारे यहाँ तो इसे चाय के ही संग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए हमने चाय के संग खाने के लिए बनाया। और आपका मन, आप वैसे भी खा सकते हैं। तो आप लोग को कैसा लगा बताना ज़रूर। तो ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और गुड नाइट, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।